नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से 7 फूड्स है कि जो लैंगिकता या लैंगिक ड्राइव या सेक्स ड्राइव को कम करते हैं, और जिसको सेवन करना आप बंद कर देते हो तो डेफिनेटली आपकी सेक्स ड्राइव बढ़ सकती है। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि भाई इरेक्शन तो आता है, प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा समय टिकता भी है, मगर इच्छा ही नहीं होती, इच्छा कमजोर है, मतलब सेक्सुअल डिज़ायर नहीं है या सेक्स ड्राइव नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है। फिर जबरन पत्नी ने बोल दिया तो कर लिया, तो कर लिया, नहीं तो नहीं किया, और जब करते हैं तब भी बहुत मज़ा आता नहीं है। अब ऐसे लोग हैं कि जिनको सेक्स ड्राइव नहीं है, जो कामवृत्ति होती है वो कमज़ोर है, कामशक्ति कमज़ोर हुई है, तो डेफिनेटली उन्होंने ये 7 फूड जो है जो बता रहा हूँ मैं, उनका 7 आइटम जो उनका सेवन बंद करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो आइए, नंबर 1 जो है शराब। ये एक्चुअली लोग इतने आदि हो गए कि मतलब लोगों को बियर ऐसा लगता ही नहीं कि वो कोई अल्कोहल है, और शराब तो पीते रहते हैं लोग, मतलब बियर तो पीते रहते हैं, बहुत ही कॉमन है। मतलब कहीं हम कभी पार्टी में जाते हैं ना, तो आते आते लोग रुक जाते हैं, फटाक से एक बॉटल ले लेंगे बियर की और जाके बैठ जाएंगे, सादे बॉटल में डाल देंगे अपने प्लास्टिक के, मालूम नहीं पड़ता कि पानी की क्या है, वहाँ जाके पियेंगे, मतलब इतना कॉमन हो गया। ट्रेन में जाते हैं तो बहुत सारे लोग बैठक में, उनके सब सादी जो बॉटल थी पानी की, उसमें सब बियर ही भरी रहती है। शराब जो है ना, वो डिज़ायर बहुत बढ़ाती है कभी कभी, मगर इरेक्शन ख़त्म कर देती है या जल्दी गिर जाता है। शराब से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होती है, और फिर बाद में सेक्स ड्राइव कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए शराब का सेवन बंद करना चाहिए, नंबर 1 शराब। नंबर 2 वाइट आटा या मैदा। वाइट आटा या मैदा जो है, उसमें कोई ऐसी खास पौष्टिक नहीं है, उसमें पौष्टिकता नहीं रहती है। स्पेशली हम जब पाव खाते, ब्रेड, बन पाव, पाव, वाइट ब्रेड, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैदा रहता है। तंदूरी जब नान खाते, तंदूरी रोटी, तंदूरी नान, मतलब तंदूर का नान, तो उसमें भी सब मैदे का ही रहता है, उसमें पेट भी बिगड़ जाता है और सेक्स पावर भी उसमें कम हो जाती है। अच्छा जो है, अच्छा वो है ज्वार, बाजरा, मक्का, ये आप खा सकते हैं इसकी रोटी। नंबर 3 जो है वो है बीट्स, चुकंदर। यदि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, मतलब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल का इम्बैलेंस है और ये नोन है आपको, तो डेफिनेटली आपने बीट्स नहीं खाना चाहिए, चुकंदर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो सेक्स ड्राइव कम करेगा, वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको और इम्बैलेंस करेगा। मगर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, बाकी सब ठीक है, तो बीट्स ज़्यादा कोई हानिकारक नहीं होता है। नंबर 4 बोतल बंद पानी, तो बहुत ही कॉमन है आजकल, हम तो बोतल बंद पानी ही पीते हैं। उसमें बिस्फेनॉल ए रहता है, प्लास्टिक में बिस्फेनॉल ए, और जो यदि आप पानी पीते हैं बॉटल का, प्लास्टिक बॉटल का, बॉटल बंद पानी मतलब पैक वाटर पीते हैं, तो उसमें पौरुषत्व कम हो जाता है, प्रजनन क्षमता कम होती है, ये लोगों में बाद में इरेक्टाइल डिसफंक्शन पाया गया है, और शुक्राणु की संख्या जो है वो कम हो जाती है। तो ये आपने बंद करना चाहिए तुरंत, अपना पानी कैरी करो और बॉटल बंद पानी लेना ही नहीं है। नंबर 5 डिब्बा बंद सूप, पैक्ड सूप, या पैक्ड रहता है ना जब सूप, या कोई भी चीज़ ऐसी जो मतलब चूड़ा पैक है, सेव है, या मतलब मिक्स चूड़ा सा जो भी पैक है, उसमें सोडियम का प्रमाण बहुत ज़्यादा रहता है, और सोडियम और सॉल्ट जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट को वो तकलीफ दे हो सकता है। सोडियम यदि आपका बढ़ जाता है, सोडियम तो जिससे मतलब सोडियम से ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, सोडियम से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है, इसलिए डिब्बा बंद सूप जो है वो नहीं लेना चाहिए, फ्रेश सूप आप ले सकते हैं। फिर नंबर 6 पनीर। अब पनीर तो मैंने बोला हुआ है कि पनीर बहुत अच्छा है और पनीर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स है, पनीर आप खा सकते हैं, उससे पौरुषत्व भी अच्छा होता है, सेक्स ड्राइव बढ़ती है, बराबर है। मगर एक पनीर जो ऐसा है कि गाय के दूध से बना हुआ पनीर, और जो गाय का दूध सिंथेटिक हार्मोन मिलाकर बनाया गया है, तो वो पनीर जो है वो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसके साथ गड़बड़ करता है। तो ये गाय के दूध का पनीर जो है, जो सिंथेटिक हार्मोन मिलाकर बनाया गया है, वो नहीं लेना चाहिए, उससे यौन क्षमता कम हो जाती है, कमजोरी आती है। नंबर 7 तली हुई चीज़ें, फ्राइड फूड्स। तो तली हुई चीज़ों में हम तो बहुत लाइक करते हैं सब लोग, तली हुई चीज़ों का गरम गरम
वड़ा, मूंग वड़ा, भजिया, समोसा, कचौरी, मतलब क्या नहीं। और फ्राइड फूड जब लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान अपने बॉडी पर होता है। फैटी लेवल बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है, एथरोस्क्लेरोटिक चेंजेस ज़्यादा और जल्दी हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट के ऊपर असर आता है। और लिंग में भी यदि जो वेंस और आर्टरीज है उसमें एथरोस्क्लेरोसिस हो गया तो ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, तो तली हुई चीज़ें भी डालना चाहिए। तो ये 7 चीज़ें जो है यदि आप डालते हैं तो डेफिनेटली आपकी सेक्स ड्राइव बढ़ सकती है। जब हमारे पास में लोग आते हैं बोलते हैं हाँ आपने दवाई दे दिया, आपने काउंसिलिंग किया, क्या नहीं खाना ये पूछते हैं, क्या परहेज रखना, तो डेफिनेटली हम ये बातें बोलते हैं। नंबर एक शराब, और मैं बोलता हूँ शराब और एडिक्टिव चीज़ें, मतलब इसमें ये भी आ गया तंबाकू और सिगरेट। तो नंबर एक शराब, सिगरेट, तंबाकू। नंबर दो व्हाइट आटा या मैदा। नंबर तीन बिट्स, चुकंदर स्पेशली, हार्मोनल इम्बैलेंस जिनमें है उन्हें डालना चाहिए। नंबर चार बोतल बंद पानी। नंबर पाँच डिब्बा बंद सूप। नंबर छः गाय के दूध से बना हुआ सिंथेटिक हार्मोन मिलाकर बना हुआ पनीर, जो हार्मोन साथ गड़बड़ कर देता है। और सात तली हुई चीज़ें, ये 7 फूड आइटम आपको टालने के हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपके परिवार का ख्याल रखो, आपका ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।